हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ग्रुप के अंदर ग्रुप की डेफिनेशन की, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करी। आज से हम ग्रुप की थ्योरम वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है जिसमें लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन सच दैट क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी। अब सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब ही समझो। देखो, सबसे पहले हमें कहा है नॉन एम्प्टी सेट, तो जब हमने ग्रुप स्टार्ट किया तो हमने यही डिस्कस किया कि ग्रुप और कुछ भी नहीं है बल्कि एक सेट होता है, ठीक है, और वो सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी भी हमें पता है भी कम से कम एक एलिमेंट तो होगा तभी हम आगे चलेंगे, कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तो नॉन एम्प्टी सेट है। तो अब हम इसमें जी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद, अब बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि जब हम मैथ्स में काम करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि दो एलिमेंट्स के बीच में हम कौन सा रिलेशन यूज कर रहे हैं, एडिशन यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, यूनियन यूज कर रहे हैं, कौन सा रिलेशन यूज कर रहे हैं। तो हमने बाइनरी ऑपरेशन यूज किया, तो जो भी वो हमारे को मेंशन किया हुआ होगा तो उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, ग्रुप के लिए हम कितनी प्रॉपर्टीज करते हैं, हमने ग्रुप के लिए मेन चार प्रॉपर्टीज करी हैं। सबसे पहले क्लोजर की है, फिर एसोसिएटिव की है, फिर तीसरे नंबर पे आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इस थ्योरम में हमें दिया हुआ क्या है, हमें क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है और ये हम डिटेल में कर चुके, अब इसको आप बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कहा हुआ है कि होल्ड करती है ग्रुप में, और अब हमारे को ये बताना है देन एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स इन जी इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ सेम राइट आइडेंटिटी एंड सेम राइट इनवर्स इन जी। तो अब हमारे को यहाँ पे दिया हुआ क्या है ग्रुप में कि लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और हमें शो करना है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी है वही राइट आइडेंटिटी भी है, और जो लेफ्ट इनवर्स है वही लेफ्ट राइट इनवर्स भी है। तो इसके लिए अब हम कहां से स्टार्ट करते हैं, तो देखो अब हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ई लेफ्ट आइडेंटिटी है, ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स है ए का। देखो क्लोजर और एसोसिएटिव में तो लेफ्ट और राइट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही इनवर्स और आइडेंटिटी के टाइम है कि लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स। लेफ्ट इनवर्स हम लेफ्ट आइडेंटिटी हम इस तरीके से यूज करेंगे, राइट आइडेंटिटी हम इस तरीके से यूज करेंगे। तो देखो अगर तुम्हारे को लेफ्ट एक्सियोम्स राइट एक्सियोम्स भी लिखना है तो सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव तो दोनों में ही सेम आएगी, ऊपर की डेफिनेशन सेम आएगी, बस तुम वहां ये कहोगे कि ये सेटिस्फाई करता है, वहां कहोगे लेफ्ट में कहोगे कि ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है, राइट में कहोगे कि ये करती है, इसी तरीके से लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास अब हमारे पास अब यहाँ से है क्या कि हमने यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करी है कि ये लेफ्ट आइडेंटिटी है, अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है तो लेफ्ट में मैंने ई यूज करा, ई कंपोजिशन ए विल बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड सिमिलरली बिकॉज ए इनवर्स इज अवर लेफ्ट इनवर्स सो ए इनवर्स कंपोजिशन ए विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी पता है, हम कर चुके हैं। अब हमारे को सबसे पहले ये शो करना है क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और हम वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, वो तुम डिटेल में पहले वहां वो वाला आर्टिकल मतलब वो वाला कंसेप्ट क्लियर करके ही फिर हम थ्योरम कर पाते हैं इजीली। तो अब हमारे पास अब यहाँ पे वैल्यू क्या है कि अपने पास हमारे को ये शो करना है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। देखो हम लेफ्ट प्रॉपर्टी करें, लेफ्ट इनवर्स है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता हुआ शो कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, क्योंकि ए और बी दोनों एलिमेंट, ए बी सी तीनों तीन एलिमेंट क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है, और ग्रुप में सेमी ग्रुप भी बन गया क्योंकि जो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है सेट वो क्या हो जाता है सेमी ग्रुप। तो ये सेमी ग्रुप तो है ही, तो सेमी ग्रुप है तो तीन एलिमेंट मैंने सेमी ग्रुप के कंसीडर करे ए बी सी सच दैट, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने अब यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, ए कंपोजिशन बी भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, ए कंपोजिशन
से भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। और मैंने मान लिया कि एक ही कंपोजिशन के लिए दो एलिमेंट्स के साथ लेती हूँ तो रिजल्ट सेम आ भी सकता है, तो मैंने वो दो एलिमेंट्स कंसीडर करें कि अगर ये दोनों सेम है, दैट इज इफ ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू ए कंपोजिशन सी, देन आई हैव टू शो दैट बी इज इक्वल टू सी। फॉर द पर्पज आई टेक दिस रिजल्ट, ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू ए कंपोजिशन सी, देन आई नो दैट लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट, सो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, और से यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ए इनवर्स कंपोजिशन ए कंपोजिशन बी, फिर यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इनवर्स कंपोजिशन ए कंपोजिशन सी, आई चेंज द ब्रैकेट देयर, देन दिस विल ए इनवर्स कंपोजिशन ए, बिकॉज आई हैव लेफ्ट इनवर्स एज ए इनवर्स, सो ए इनवर्स कंपोजिशन ए विल बी इक्वल टू ई, ई इज अगेन माय लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी कंपोजिशन बी एग्जिस्ट करता है, सो दिस विल बी इक्वल टू ई कंपोजिशन एंड दिस इक्वल टू ई कंपोजिशन सी, सो दिस इज इक्वल टू बी एंड इट इज इक्वल टू सी। तो यहां से मुझे क्या पता लग गया कि अगर लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करेगा। अब आ जाओ, अब मुझे ये शो करना है कि जो मेरी लेफ्ट आइडेंटिटी थी वही मेरी ग्रुप की राइट आइडेंटिटी भी वही सेम है। उसके लिए अब मैंने क्या किया, अब मैंने राइट हैंड साइड देखो, अब मैंने क्या लिया, दैट इज आई हैव टू प्रूव दैट ए कंपोजिशन ए ई इज ऑल्सो इक्वल टू ई ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ग्रुप। उसके लिए मैंने यहां से क्या किया कि देखो ए इनवर्स ए और ई ऑल द थ्री एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पे अपने पास अब वैसे क्योंकि ये मोनोइड बन चुका है क्योंकि हमने आइडेंटिटी तो प्रूव कर ही दी है, तो यहाँ पे अपने पास फिर वैल्यू क्या हो गई ए इनवर्स कंपोजिशन ए इन, तो फिर मैंने अब यहाँ पे एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग ब्रैकेट इधर चेंज कर दी, अब ए इनवर्स कंपोजिशन ए विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी बिकॉज लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट इट इज गिवन टू अस, सो दिस विल बी इक्वल टू ई। और यहाँ पे हमने ये इनवर्स भी कंसिडर किया हुआ है कि ए इनवर्स कंपोजिशन ए इज इक्वल टू ई, सो इंस्टेड ऑफ ई आई राइट ए इनवर्स कंपोजिशन ए देयर, नाउ आई हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, सो ए इनवर्स विल बी दैट कैंसल्ड, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स इज ऑल्सो, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, फ्रॉम देयर आई गेट ए इनवर्स गेट कैंसल एंड ए कंपोजिशन ई विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये मेरे पास अब यहां से मैंने क्या चीज प्रूव कर दी कि जो मेरा लेफ्ट आइडेंटिटी है वही मेरी राइट आइडेंटिटी की तरह भी वर्क करेगा, और ये हम पहले भी कर चुके कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में। अब बिल्कुल सेम हम ये इनवर्स के लिए भी कर रहे हैं कि लेफ्ट आइडेंटिटी मुझे दी हुई है कि एग्जिस्ट कर रही है और मैं इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और मैं अब राइट इनवर्स भी वही सेम प्रूव करूंगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेकंडली आई हैव टू शो दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो द राइट इनवर्स ऑफ ए, दैट इज आई हैव टू शो दैट इन लेफ्ट आई हैव ए इनवर्स कंपोजिशन ए इज इक्वल टू ई एंड नाउ आई हैव टू शो दैट ए कंपोजिशन ए इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। फॉर द पर्पज आई हैव टेकन ए इनवर्स कंपोजिशन ए कंपोजिशन ए इनवर्स ऑल द थ्री एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप, सो आई टेक दिस अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी यू कैन से, देन आई हैव चेंज द ब्रैकेट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन ए इनवर्स कंपोजिशन ए विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन टू ए इनवर्स, दिस इज अवर लेफ्ट आइडेंटिटी कंपोजिशन ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स, एंड नाउ आई नो दैट राइट आइडेंटिटी इज ऑल्सो एग्जिस्ट, सो ए इनवर्स इज कैन बी रिटन एज ए इनवर्स कंपोजिशन ई, नाउ बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए इनवर्स विल बी गेट कैंसल्ड एंड आई गेट ए कंपोजिशन ए इनवर्स एज इक्वल टू ई। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट थ्योरम, नाउ अवर नेक्स्ट थ्योरम इज दिस दैट अ सेमी ग्रुप इन विच both equation ax equal to b and ya equal to b have a unique solution is a group। देखो अब तक तुम्हारे को सेमी ग्रुप वगैरह भी पता चल चुका कि क्लोजर और एसोसिएटिव होल्ड करता है, और यानी कि अब हमारे को शो क्या करना है
कि अगर ये दो इक्वेशन दी हुई है ax इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल टू बी, ये अगर इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये ग्रुप बनाता है। तो देखो अब बार बार हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे, अब तुम्हारे को ये खुद अंडरस्टैंड करना है कि सेमी ग्रुप है तो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, क्लोजर और एसोसिएटिव। ग्रुप बनाने के लिए मुझे यानी कि क्या क्या शो करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एक चीज का और ध्यान रखना कि अब मैंने तुम्हारे को ये बता दिया कि लेफ्ट आइडेंटिटी इक्वल टू राइट आइडेंटिटी होती है, लेफ्ट इनवर्स इक्वल टू राइट इनवर्स होता है, पर ये ध्यान रखना कि अगर केवल और केवल लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है राइट नहीं कर रही, या लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है राइट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या कह लो कि दोनों में से एक आइडेंटिटी और एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बोथ नहीं, तो वो ग्रुप नहीं होगा। तो इसमें हमारे को बोथ दो इक्वेशंस दी हुई है, एक बार एक्स लेफ्ट ये राइट हैंड साइड है, एक बार वाई लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये इस तरीके से हमारे को दिया हुआ है कि दोनों का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब ये ग्रुप बनाता है। इसके लिए अब हम यहाँ पे किस तरीके से शो कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप बताना है तो हमारे को दो ही चीज प्रूव करनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी कि मुझे ये भी बताना है कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैंने यही कि जी बी एस सेमी ग्रुप अंडर ऑपरेशन डिनोटेड। अब देखो क्योंकि ऑपरेशन मुझे कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, मैंने सपोज कर लिया मल्टीप्लीकेशन बिकॉज ए एक्स इक्वल टू बी इज गिवन टू अस, सो डिनोटेड मल्टीप्लीकेटिवली इन विच बोथ द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशंस। ये दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, मुझे शो करना है कि आइडेंटिटी ग्रुप की है और इनवर्स हर एक एलिमेंट का ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सबसे पहले ये शो कर रही हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके लिए मैंने पहले ये फर्स्ट कंडीशन ले ली। फर्स्ट कंडीशन ली तो मैंने क्या लिया, क्योंकि ए एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी है, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब मेरे पास एक एक्स की ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जो कि मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट ए ही आएगा, क्योंकि ए एलिमेंट मैंने ग्रुप का लिया है और ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती है। तो इसका मतलब है ए एक्स विल बी ए हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन जी। तो फ्रॉम देयर सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो यहां से क्या हुआ कि एक एलिमेंट ई बिलोंग करेगा ग्रुप में, सच दैट कि ए के साथ मैंने कंपोजिशन किस एलिमेंट की ली, ई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो ही आंसर इक्वल टू ए इटसेल्फ आया। तो ये मेरे पास हो गया, यानी कि ये रिजल्ट मेरे पास एग्जिस्ट करता है राइट आइडेंटिटी का। तो ये लेट बी बिलोंग्स टू जी बाय द कंडीशन टू, तो कंडीशन टू के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आया, वाई ए इक्वल टू बी, तो वाई ए इक्वल टू बी मेरे पास दिया हुआ है, मैंने यहाँ से क्या ले लिया यहाँ पे बी, और क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है कि ई मेरी राइट आइडेंटिटी है तो मैंने बी ई लिख लिया। अब बी ई बी की इंस्टेड ऑफ बी आई हैव राइट वाई ए बिकॉज आई नो दैट बी इज इक्वल टू वाई ए, देन यूजिंग एसोसिएटिव AE is equal to A, YA equal to B. So from there I get that from both the equations E is the right identity of the group. And now similarly using the condition 2, A belongs to group G. We have YA is equal to. अब इस टाइम पे मेरे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास AX equal to B, मतलब ये कहने का था कि ए एक्स इक्वल टू बी कोई एक इक्वेशन है, तो बिल्कुल अब उसी तरीके से मेरे पास अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी कंडीशन टू के अकॉर्डिंग वाई के साथ ए, क्योंकि ए तो एक एलिमेंट ग्रुप का है ही और जो कि इस इक्वेशन को पूरी तरीके से यूनिक तरीके से सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि मेरे पास अब क्या चीज आ गई, वाई ए इज इक्वल टू ए, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मैंने पुट किया ही है वाई के अंदर कि मेरे पास रिजल्ट इज इक्वल टू ए आ रहा है। तो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन जी, तो मैंने सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इस बार मैंने क्या कंसीडर कर लिया एक एलिमेंट, क्योंकि मैंने अभी लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी प्रूव की, अब लेफ्ट प्रूव करनी है, तो मैंने वो एलिमेंट एफ कंसीडर कर लिया, एफ बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू ए, बी पुट करो तो बी आंसर आए क्योंकि बी भी एक एलिमेंट दिया हुआ है ग्रुप का,
तो ग्रुप का एलिमेंट है, तो यानी कि बी की भी कोई एलिमेंट के साथ कंपोजिशन ली है, तो आंसर बी ही आया है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि वाई ए इक्वल टू ए एंड वाई एफ बी इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए एंड एफ बी इज इक्वल टू बी, दैट इज एफ इज अवर लेफ्ट आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या हो गई, अब मैंने कंसिडर करी क्योंकि पहले भी हम वैसे कर चुके पर थ्योरम में इंडिविजुअली, फिर मैंने यहाँ से बता दिया कि एफ मेरी लेफ्ट आइडेंटिटी है, ई मेरी राइट आइडेंटिटी है, तो मैंने एफ और ई क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट आते जाएंगे उनकी प्रोडक्ट भी ग्रुप के अंदर लाई करती है, तो एफ और इंटू ई भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगी, बट एफ ई इज इक्वल टू एफ क्यों, क्योंकि ई मेरी राइट आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसी तरीके से एफ ई विल बी इक्वल टू ई क्योंकि एफ मेरा लेफ्ट आइडेंटिटी है, बट एफ ई इज वन एलिमेंट सो एफ विल बी इक्वल टू ई। तो मुझे ये पता चल गया कि लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, और दोनों हम पहले भी वैसे कर चुके पर फिर भी यहाँ पे हमने इंडिविजुअल किया है कि दोनों आइडेंटिटीज सेम है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने इनवर्स का किया। अब देखो मुझे पता चल है कि भी ए एलिमेंट है जो कि ग्रुप का है, और आइडेंटिटी क्योंकि मैं प्रूव कर चुकी हूँ और दोनों को सेम प्रूव कर चुकी हूँ, तो मैं अब ई ही लूंगी। तो ई मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अब मेरे पास फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक तो एलिमेंट ए डैश एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट ए डबल डैश एग्जिस्ट करेगा सच दैट, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई कि ए ए डैश विल बी इक्वल टू ई एंड ए डबल डैश ए इज इक्वल टू ई, क्योंकि पहली कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, इधर मैंने कंसिडर किया है कि एक्स जो है वो मेरे पास इनवर्स का काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा क्या हुआ राइट इनवर्स, इस साइड मैंने क्या ले लिया लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स मैंने अलग अलग एक को ए डैश ले लिया एक को ए डबल डैश ले लिया क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का है। तो यहाँ पे मैंने जब ए डबल ए डैश पुट किया यहाँ पे ए डबल डैश पुट किया तो यहाँ पे भी एक बार आइडेंटिटी आएगा यहाँ पे भी एक बार आइडेंटिटी आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने अब यहाँ पे लिख लिया ठीक है ए ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए डबल डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अकॉर्डिंग टू दिस अब मैंने स्टार्ट किया, अब मुझे ये शो करना है कि दोनों इनवर्स अलग अलग ना होके सेम ही है, तो मैंने ए डबल डैश लिया, ए डबल डैश को मैंने लिखा ए डबल डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश इनटू आइडेंटिटी क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इंस्टेड ऑफ आइडेंटिटी आई कैन टेक ए इनटू ए डैश बिकॉज आई नो दैट इंस्टेड ऑफ आइडेंटिटी आई कैन यूज ए इनटू ए डैश। फिर मैंने एसोसिएटिव लास्ट से ब्रैकेट चेंज कर दी और फिर मुझे कंडीशन टू से पता है ए डबल डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर मुझे पता है क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो ई इंटू ए डैश विल बी इक्वल टू ए डैश। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया ए डबल डैश इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि मैंने दो जो अलग अलग इनवर्स लिए थे एक लेफ्ट इनवर्स और एक राइट इनवर्स दोनों एग्जिस्ट भी करे और दोनों ही इक्वल भी आ गए। हमने जो दो थ्योरम्स करी हैं उनमें हमने एक में कैंसिलेशन लॉ के साथ ग्रुप बताया कि एक सब ग्रुप है जो दो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है वो ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से हमने एक में बताया कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, अब हम इन्हीं के कुछ एक रिजल्ट्स बता रहे हैं ताकि जो हमने जो थ्योरम्स करी है उनको और अच्छे से समझ सके। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट रिमार्क में कि अगर एक सेमी ग्रुप है, अब सेमी ग्रुप है तो हमें ये बताना है कि जरूरी नहीं है कि अगर सेमी ग्रुप बन गया तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा ही करेगा। तो जैसे हमने मैट्रिसेस ले लिया सेट ऑफ मैट्रिसेस 2x2 की मैट्रिसेस, हम इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं कि थोड़ी शॉर्ट और इजी हो जाए हमें, और यहाँ पे फिर है मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स, मतलब क्या है कि जो इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं वो हमने इंटीजर्स कंसीडर करे हैं। अब देखो मैंने 2x2 की एक मैट्रिक्स ए बी एंड सी ये तीन मैट्रिसेस कंसीडर कर ली और मुझे पता है कि जब मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगी ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्ट इज इक्वल टू 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां से क्या आ गया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, जब मैंने इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लीकेशन लगाया तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब लेफ्ट कैंसिलेशन अगर मैं करती हूं
तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट कैंसिलेशन तो ये आइडेंटिटी होके बी इज इक्वल टू सी बनता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बी इज दिस एलिमेंट एंड सी इज दिस एलिमेंट एंड बोथ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। तो यहां से हमारे को ये पता लगता है कि अगर सब ग्रुप है तो कोई जरूरी नहीं है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे। अब फिर दूसरा रिमार्क देखो, नेक्स्ट रिमार्क में हमारे पास क्या है कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया तो तुम्हें पता है ये सब ग्रुप है। तो यहाँ पे क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में ही नेचुरल नंबर डिस्कस कर रहे थे और ये ए बी इज इक्वल टू ए सी इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है कि मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो अपने पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इसमें कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग बी इज इक्वल टू सी आएगा ही आएगा। यानी कि कहने का पर्पज ये हो गया कि कैंसिलेशन लॉ नेचुरल नंबर में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने से भी अब यहाँ पे फिर देखो, ये तो मेरे पास था राइट लेफ्ट कैंसिलेशन, इसी तरीके से मैंने ये राइट कैंसिलेशन, मतलब मैंने ये शो करा कि सेट ऑफ नेचुरल है जो कि सब ग्रुप भी है और जिसके अंदर बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड भी कर रहे हैं, लेफ्ट भी और राइट कैंसिलेशन लॉ भी, तब भी ये अब मेरे पास ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स की। और तुम्हारे को पता है कि नेचुरल नंबर्स में अब टू है, टू का इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां से हमारे को ये क्या चीज पता चली कि अगर मेरे पास दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते भी हैं सब ग्रुप में तब भी वो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप बने। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है रिमार्क में, तो अब हमने कहा है कि जी नीड नॉट बी, क्योंकि मैंने देखो एक में लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी दिखा दी, तो यहाँ पे मेरे पास फिर वैल्यू क्या है कि नीड नॉट बी अ ग्रुप इफ, देखो यहाँ क्या लिया मैंने, लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है एंड राइट इनवर्स, वहां जो मैंने थ्योरम करी वहां मैंने किया लेफ्ट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है एंड राइट इनवर्स मैट्रिक्स, या इससे अपोजिट ले लो कि राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स, तब भी मेरे पास ये ग्रुप हो जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक जी एक सेट लिया, ऑब्वियसली सब ग्रुप ही लिया है मैंने जिसमें क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए, कम से कम मैं दो एलिमेंट्स जरूर कंसीडर करके चल रही हूँ, क्योंकि जो सिंगल एलिमेंट है तो वो तो ई आइडेंटिटी अपने आप का इनवर्स हो गया तो वो तो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर देगा, तो इसलिए मैंने कम से कम दो एलिमेंट्स के लिए ये केस कंसीडर किया। तो उसमें उस केस में मैंने ई और ए दो एलिमेंट्स कंसीडर करे एक सेट के, ई कंपोजिशन ए लिया तो वो मेरे पास ए आएगा क्योंकि ई मेरी लेफ्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकती हूँ ओके। फिर ई इज लेफ्ट आइडेंटिटी एंड सिमिलरली ए कंपोजिशन ई विल बी इक्वल टू ई, इस बार मैंने क्या कंसिडर किया है कि जो मेरे पास है ई इज द राइट इनवर्स, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू मैं यहां पुट करती हूँ वही मेरे पास आंसर आता है। इस वाली कंपोजिशन में ए कंपोजिशन बी में आंसर मुझे कौन सा मिल रहा है, बाद वाला। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैंने ए कंपोजिशन ई ली तो इस बार मुझे आंसर क्या मिला, ई। तो यानी कि अब मेरे पास यहां से क्या हो गया, ई मैंने इस टाइम पे क्या लिया, राइट इनवर्स ए का राइट इनवर्स मेरे पास क्या है, ई है। जो मैंने ए कंपोजिशन ई कंसीडर किया तो इज इक्वल टू ई आया क्योंकि ये मेरे पास राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता हुआ दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या चीज आ गई, यहां से तो मैंने ये दो प्रॉपर्टीज दिखा दी, देखो ये मेरे पास हुआ लेफ्ट आइडेंटिटी, ये मेरे पास हुई राइट इनवर्स। अब मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट मान लिए, मैंने एक एलिमेंट माना ए एक एलिमेंट बी, और इस बार मैंने दोनों एलिमेंट डिफरेंट मान लिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास अब क्या हुआ, अगर मैं ए और बी एलिमेंट की कंपोजिशन लेती हूँ तो बाद वाला आंसर आता है तो बी ही आंसर आएगा। अब मैं बी और बी की कंपोजिशन ले लूं तब भी बी ही आंसर आएगा क्योंकि बाद वाला ही आंसर आना है। तो ये मेरे पास रिजल्ट हो गया, पर ये बी एलिमेंट तो सेम ही रहेगा इसलिए ये वाली वैल्यू भी सेम रहेगी। अब ये सेम है तो मैंने राइट कैंसिलेशन लॉ लगा लिया क्योंकि मेरे पास राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से ये वाली वैल्यू बी और बी कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या चीज आ गई, यहां से मेरे पास आ गया ए इक्वल टू बी। पर मैं तो पहले ही ये चीज मान के चली हूं
कि ये दोनों मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ये मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो अपने को ग्रुप थ्योरी और थोड़ी डिटेल से और बड़े ध्यान से समझने की जरूरत होती है। नाउ इन दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट फाइनाइट सेमी ग्रुप इज ग्रुप इफ एंड ओनली इफ बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। मतलब हमारे को क्या चीज प्रूव करनी है कि एक बार तो हमारे को सेमी ग्रुप को फाइनाइट सेमी ग्रुप को ग्रुप प्रूव करना है अगर बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हुए दिए हैं। एक बार हमें कहा है कि बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं और हमें ग्रुप प्रूव करना है। आई डबल एफ का मतलब यही हो गया, हमें दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे किया है कि जब मैंने तुम्हारे को एलिमेंट्री प्रॉपर्टी वाले पोर्शन में ये करवाया था कि जी अगर ग्रुप हो तो बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो फर्स्ट तो हमने यही कंसीडर किया कि जी एक सेमी ग्रुप है अंडर कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के अंडर हमने ये एक ग्रुप कंसीडर कर लिया, तो सेमी ग्रुप कंसीडर किया। पहले फर्स्ट हम मान लेते हैं कि जी ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है तो हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। वही वाला पार्ट तुम दोबारा से कर दो। इसके बाद हम यहाँ पे कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में अब मैंने क्या लिया कि बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं और मुझे ये शो करना है कि जी एक ग्रुप है। तो यानी कि अब मुझे क्या चीज शो करनी है कि मैंने कंसीडर किया कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप है तो उसका मतलब है कि उस सेट के अंदर एक लिमिटेड एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट्स मैंने कंसीडर कर लिए A1, A2 अप टू An, और ये सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर अगर n होता है तो n के n एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता, ये भी हम करेंगे अभी। तो बी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया, n हो गया। तो इस फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, क्योंकि A एलिमेंट है, A एलिमेंट एक कोई भी एलिमेंट है तो वो ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। तो अगर मैं एक सेट S ले लूं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि अगर इनकी आपसी मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप के अंदर ही एग्जिस्ट करती होती है, तो अगर A एलिमेंट इनके अंदर बिलोंग करता है तो उस A एलिमेंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप में बिलोंग करेगी। तो मैंने ये कंसीडर कर लिया कि मैंने पहली बार इनके राइट मल्टीपल्स ले लिए A के और ये एक सेट S बना दिया। अब इस सेट S के अंदर भी n ही एलिमेंट है, तो ये वाली वैल्यू जो है S पूरी तरीके से G के अंदर कंटेन करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और ये सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट भी होंगे। तो उसके लिए अब मैंने मान लिया, अब तुम्हें लगे कि अगर क्या जरूरी है कि सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, तो हम ले लेते हैं कि लेट दो एलिमेंट सेम है, ए आई ए इज इक्वल टू ए जे ए, मतलब कोई भी इनमें से कोई भी दो एलिमेंट सेम है, बट आई इज नॉट इक्वल टू जे बिकॉज काउंटिंग हमारी 1 to n है। तो सातवां दसवां कौन सा एलिमेंट लिया हमें नहीं पता, तो मैंने कंसीडर किया I इज नॉट इक्वल टू J, और यहाँ पे जो वैल्यू है मेरे पास, क्योंकि I तो यहाँ से AI इज नॉट इक्वल टू J, तो यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि मैंने क्या कहा है कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो ये वाला राइट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने AA कट कर दिया, AI विल बी इक्वल टू AJ। तो यहाँ से मेरे पास ये तो एब्सर्ड हो गया, क्योंकि ये तो सारे के सारे एलिमेंट इस ग्रुप के डिफरेंट थे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो और इसके अंदर भी एलिमेंट कितने हैं, वही सेम n ही एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ s इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, और इसका ये भी मतलब हुआ कि सेट s और g इक्वल है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि दो एलिमेंट सेम नहीं है, ये सेट पूरे का पूरा कौन सा एलिमेंट किसके बराबर है हमें नहीं पता। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू g फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। अब देखो यहाँ पे मुझे ये पता है कि अगर a बिलोंग करता है वो तो हम कर चुके, अब b, क्योंकि b ग्रुप का एलिमेंट है, b किस ग्रुप का एलिमेंट है, g ग्रुप का एलिमेंट है इस ग्रुप का मान लो, क्योंकि नाम हम A1, A2, AN कह दें, AB कह दें, कुछ भी कह दें, बीच में आइडेंटिटी भी है, बीच में इनवर्सेस भी है, कौन सा एलिमेंट कौन सा है हम ये आर्बिट्रेरली कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास क्या चीज हो गई, तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया क्योंकि अगर B बिलोंग करता है ग्रुप में और मैंने क्या कहा है कि S और G बिल्कुल सेम है, तो जो ये B एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट था वो S का एलिमेंट भी हो गया। तो अगर B S का एलिमेंट है पर S के एलिमेंट तो
इस टाइप के हैं, यानी कि मैंने बी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ए एल इंटू बाद में ये ए मल्टीप्लाई हुआ ए वन ए टू ए एन था ना, तो इनमें से किसका मैंने कंसीडर किया उसको मैंने जनरलाइज वे में ए एल लिख लिया। तो बी मेरे पास इनमें से किन्हीं दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट से आया हुआ है, तो वो किस टाइप का रिप्रेजेंट हुआ है, ए एल बी। और इसका मतलब मेरे पास क्या चीज आ गई, तो दैट इज ए एल इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाई ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसमें हमने अभी जो पीछे रिजल्ट किया था कि कोई भी ग्रुप होता है तो वो ये दो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हुआ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या चीज शो कर दी कि जो ये ए एल है वो किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि पोस्ट में ए मल्टीप्लाई है और यहाँ पे कभी ए वन पुट किया, कभी ए टू, कभी ए एन, और आंसर क्या आ रहा है, इक्वल टू बी, इस इक्वेशन का एक रिजल्ट है। इसी तरीके से अब मैंने, क्योंकि मुझे दो कैंसिलेशन ला है तो दो इक्वेशन शो करनी है, सेकेंड के लिए भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके से प्री मल्टीप्लाई बाय ए वाला कंसेप्ट यूज कर लिया। इसे ये बिल्कुल इसी तरीके से मैंने किया है, तो टी के अंदर भी अब ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे एलिमेंट भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, जी के अंदर कंटेन करेंगे, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट भी होंगे। फिर अगेन मैं मान लेती हूँ अगर डिफरेंट नहीं है तो क्या होगा, तो यानी कि कोई दो एलिमेंट सेम होंगे। और फिर मैंने कहा है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो मैंने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ले लिया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग ए से ए कट गया और ए आई विल बी इक्वल टू अगेन ए जे, और विच इज नॉट पॉसिबल कंट्राडिक्शन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट आ गए, और यहां से भी क्या कंसेप्ट हुआ कि टी भी जी के बराबर आ गया। अगर टी जी के बराबर है तो जो दो एलिमेंट्स हमने ए बी ग्रुप के कंसीडर करे हैं, तो बी अगर ग्रुप का एलिमेंट जी ग्रुप का एलिमेंट है तो बी टी का भी एलिमेंट है, क्योंकि जी इक्वल टू टी है। और पर टी के एलिमेंट्स हम किस तरीके से लिख पा रहे हैं, टी जो सेट है वो हमने इस तरीके से लिखा है ए ए वन ए ए टू, यानी कि ए के टाइप कुछ, बी इज इक्वल टू ए के टाइप, ए इंटू ए के, प्री में ए है सिंपल और बाद में हमने ए वन ए टू ए एन, ठीक है। इस वजह से हमने बी कोई भी एलिमेंट इस बार हमारा इस पैटर्न का एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए के इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप। तो यहाँ पे फिर अपने पास क्या हो गया, इसका मतलब तो बोथ ये वाली जो इक्वेशन है, एक तो ए एक्स इक्वल टू बी और एक अपने पास वाई ए इक्वल टू बी, दोनों का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर दोनों का इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमने क्या कहा है कि ये एक ग्रुप है। आज हमने तीन थ्योरम्स करी, तीन रिमार्क्स करवाए मैंने। तो अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब मैंने तुम्हारे को थ्योरम नंबर थर्ड करवाई है तो उसमें मैंने तुम्हें बताया कि फाइनाइट सेमी ग्रुप ग्रुप बनेगा इफ बोथ कैंसिलेशन ला होल्ड, और साथ ही साथ मैंने तुम्हारे को रिमार्क नंबर टू कराया जिसमें मैंने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया जिसमें मैंने ये दिखाया कि बोथ कैंसिलेशन ला होल्ड कर रहे हैं पर ये ग्रुप नहीं है। और अभी अभी मैं थ्योरम में प्रूव करके आई हूं कि अगर कैंसिलेशन ला होल्ड करते हैं तो ये ग्रुप है। अब तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसमें अब इसीलिए हम रिमार्क्स को भी साथ साथ हम करने लगे हैं कि तुमने थ्योरम भी करनी है और रिमार्क्स को भी समझना है। रिमार्क्स में हमने फिर यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या आया, इसमें डिफरेंस है फाइनाइट और इनफाइनाइट, एक एक वर्ड मैटर करता है। तो जो ये पहले थ्योरम है इसमें मैंने किया है ये फाइनाइट सेमी ग्रुप, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर ग्रुप इनफाइनाइट होगा तब ये रूल लागू हो भी सकता है और नहीं भी, नीड नो, मतलब कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन के लिए ट्रू हो जाए पर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो। पर ये फाइनाइट सेमी ग्रुप के लिए 100%, क्योंकि आई डबल एफ का मतलब यही है कि ये होल्ड तभी करेगा अगर ये होल्ड करता है, ये होल्ड तभी करेगा ये होल्ड करता है, ठीक है। तो पर इसमें ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये कैसा सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो इन चीजों का भी तुम्हारे को ध्यान रखना है। आज का टॉपिक हम अब यही वाइंड अप करते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।